ठीक है, चलो आज हम लोग शक्तिमान का कैरेक्टर बनाने वाले हैं। अब जैसे हम लोग कभी कैरेक्टर स्टार्ट करें तो कैरेक्टर स्टार्ट करने से पहले होता क्या है कि हम लोग कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लें, ठीक है, कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, यहाँ से आपका सिंबल अबाउट F7 आपके पास यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। कैरेक्टर का वेट थोड़ा सा देख लें, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे एक लाइन आप ड्रॉ करके देख लो। देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि देखो आर्टिस्ट ने बनाया है, आर्टिस्ट ने अच्छा बनाया, लेकिन क्या है कि गलती कहाँ होती है ये समझना पड़ता है। क्या एक किसी भी स्केचिंग आर्टिस्ट को क्या देख के बनाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले रेफरेंस को सही करें, रेफरेंस को सेट कैसे करें, ठीक है। आप कभी स्टूडियो में जाओगे तो स्टूडियो में आपको रेफरेंस बनाने वाले अप डाउन मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो आर्टिस्ट होते हैं स्केचिंग आर्टिस्ट वो 3D नहीं करते। अगर वो 3D करेंगे ना तो ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप उनको कंप्लेन नहीं कर सकते क्या, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं है, उसने आराम से लुक एंड फील दिया, अच्छा बनाया। अभी उसको हम लोग अपने काम के लिए कैसे यूटिलाइज कर सके वो दिखाता हूँ आपके यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम, मेरे पास ये जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, फेस देखो, फेस अच्छा बनाया, ठीक है। अभी देखेंगे फेस के यहाँ पे प्लेसमेंट दे रखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल जे कर सकता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल टी कर दिया, मुझे यहाँ पे इसे सेंटर में लाना जरूरी है, ठीक है। वी प्रेस करोगे यहाँ पे, देखो ये लाइन है मेरे पास यहाँ पे, मैं लाइन को ही मैं मैनेज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको लाइनें दिखेंगी, क्योंकि जब तक ये सेंटर लाइन नहीं होगा ना तो आपका काम सही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम लोग देखेंगे, तो अरेंज कर लेंगे। फिलहाल में मुझे फेस तो अलग ही बनाना है, तो फेस को मैं एक बार अलग करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल में आज बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी में हम लोग कैसे क्या काम कर सकते हैं, दूसरी बात, जब हम लोग ऐसा कुछ करेक्टर बना रहे हैं तो आपका कलेक्शन होना चाहिए क्या, ठीक है, कलेक्शन लुक एंड फील। आप ये चीज़ देखो कि कैसे बना सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप बना रहे हो तो रेफरेंस का कलेक्शन अच्छा होना चाहिए क्या, कैसा कलेक्शन है, किस टाइप से पार्ट है, किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो हमें चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, हमने क्या किया, फोटोशॉप में गए, फोटोशॉप में जाके थोड़ा सा अरेंज किए, सीधे कर दिए यहाँ पे। ये अलाइनमेंट आपको पहले मैनेज कर देना आपके यहाँ पे, देखो ये अलाइनमेंट हमने देखा यहाँ पे, ये अलाइनमेंट यहाँ पे दिया, ठीक है। तो मेक श्योर ये सब चीज़ें तो और सा बेटर कर लोगे, तो 3D आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पर अगर मैनेज करते हो, देखो चेन यहाँ पे देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं चेन कहाँ पे, ये देखो ऊपर का पार्ट आपका यहाँ पे। तो रेफरेंस का सेट होना जरूरी है क्या। अभी मैंने अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा टर्न किया, तो देखो चेन इधर मैं तो सा नीचे कर दिया, देखो यहाँ पे ये चेन अभी यहाँ पे देखो, ओके, नोज़ पे लेके गए, नोज़ में ये लाइन देख रहे हैं अभी। अभी ये चीज़ मुझे सही करते हैं ना कि नोज़ पे जो लाइन है नोज़ पे ही आया, लिप्स पे आया तो लिप्स पे आया, ठीक है। ये प्लेसमेंट होता है कि आप अपने करेक्टर को चेक कर सको यहाँ पे। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से ये हेड किधर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये पहले ही रेफरेंस को सही कर लेना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर बता रहे हैं तो उसे टेक इट पॉजिटिव, ठीक है, उसको कैसे लेना है, कंट्रोल जे कर देना है, कंट्रोल टी कर देना है यहाँ पे, और थोड़ा सा मुझे यहाँ स्ट्रेट कर देना है यहाँ पे। मेक श्योर ये सब चीज़ थोड़ा सा बेटर हो तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकें यहाँ पे, देखें यहाँ पे ये पार्ट मुझे ऐसा कुछ कर देना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, जब मैं मॉडल बनाऊंगा देखो मेरे पास कैरेक्टर शीट सही नहीं है ना, तो मॉडल में भी मेरे को दिक्कत आने वाली है। तो क्या अगर जो 3D मॉडलर है जिसको स्केच की नॉलेज नहीं है, वो उसको जैसे मिले वो वैसे बना देगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मेरे पास सीधी लाइन है, सीधी लाइन है तो वो सीधी लाइन ऐसे ही जाना चाहिए, ठीक है। सीधी लाइन को मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर मैं मैनेज करके दिखा सकूँ यहाँ पे। तो अरेंजमेंट और प्लेसमेंट थोड़ा सा देख लेना क्या यहाँ पे, ठीक है। देखो सपोज मैंने यहाँ पे करा तो हेयर वाले पार्ट भी मुझे लगता है इधर ये इसके साथ में ही होना चाहिए, ठीक है। अभी कई चीज़ हमारे माया के अंदर प्लेसमेंट क्या होता है कि मैं जब बनाऊंगा तो सिमेट्रिकल बनाऊंगा तो ऑटोमेटिक यहीं पे आएगा, तो हमें उस टाइम तो एडजस्ट करना चाहिए तो एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ। तो ठीक है चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज करते हैं। ये पार्ट मैंने मैनेज किया तो उसे दिखाया मेरे पास चेस्ट वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या कार्टून करेक्टर यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट आपका यहाँ पे चेस्ट वाला पार्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे निकला होगा, ये चीज़ में समझना पड़ेगा। तो एनाटॉमी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। अगर एनाटॉमी का नॉलेज है तो मैं इसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ लाइन को मैच करके देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे, ओके, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा देखो यहाँ पे। तो अपने साइड वाले पार्ट को पकड़ लेते हैं यहाँ पे, साइड वाला पार्ट एकदम से वेट पीछे की तरफ जा रहा है यहाँ पे। पहला काम मुझे यहाँ पे कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये थोड़ा बैलेंस ऐसे, ये वेट मुझे मैनेज करना है क्या। कोई भी करेक्टर ऐसे खड़ा होगा वो टिल्टेड खड़ा होगा ना, देखो अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देख रहे हैं ऐसे लग पीछे गिर रहा है। तो ये वेट हमें ऐसे मैनेज करना होता है कि हमारे पास
सब कुछ बैलेंस दिखे। अभी ये जो हमने काम कर लिया है यही काम हमारा आगे तक काम आने वाला है। तो अगर आप कभी स्केच बना रहे हो तो इन फ्यूचर कभी आप ऐसा कुछ करो तो ये चीज़ आपके यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर आप कोई भी करेक्टर बनाते हो तो पहली प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, पहली प्लानिंग के लिए हो जाए तो हम लोग सेकेंड स्टेप पर जाएंगे और फिर नेक्स्ट उसमें काम करेंगे। एक काम और करना है, जैसे चैनल पे आना कैरेक्टर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे किसका फ्रंट है तो साइड नहीं हो, कैसे ड्रॉ करते हैं वो थोड़ा सा टेक्निक इसमें बता रखा है। ठीक है, कैरेक्टर कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा काम कर सकते हो आप यहाँ पे। दूसरा काम आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर कितने हेडेड हैं। अभी जैसे मान लो अभी मैंने शक्ति मान कर लिया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट में काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कल मेरे से कोई पूछे कि भाई अगर आपने कार्टून कैरेक्टर बनाया तो कितने हेडेड वाला कैरेक्टर, तो मैं यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स देने वाला हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, अपने कैरेक्टर को पहले पकड़ लो यहाँ पे, जो मेरे से कैरेक्टर कौन सा है, वी प्रेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एम प्रेस कर दिया, मैं बस जो हेडिट वाला पार्ट में इतने हेडिट से यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इतना मैंने लिया या फिर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल वर्ड कंट्रोल जे कर दिया, मैंने वी प्रेस कर दिया यहाँ पे। तो अभी ये चीज़ आपके माइंड में रखना है कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आइडिया मिल रहा है। ठीक है, तो कितने फाइव एडिट कैरेक्टर है, फाइव एंड थोड़ा सा पार्ट अगर मैं कहूँ तो लिटिल बिट ये पार्ट यहाँ तक दोगे देखना अभी, तो इतना मैं कह सकता हूँ पाँच साढ़े पाँच एडिट। ठीक है, फाइव एंड हाफ के आसपास ही दोगे, थोड़ा सा गैप में मिलाऊँ। तो इस टाइप से मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ कि मेरे पास करेक्टर के इतने एडिट हैं तो जाके मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ और चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास काम यहाँ पे आएगा ताकि चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। ओके, कंट्रोल एंड सेमी कॉलन आपका ये शॉर्टकट है जिससे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइनों को देख सकते हो, लाइनों को ऑन ऑफ करना ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल आपका क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे करेक्टर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से फाइव से लेके, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया मैंने, ग्रुप में ये ऐड ऑन कर दिया। तो मुझे लगेगा जब काम है तो मैं इसे रखूँगा। जैसे मुझे दिखाना है कि मुझे ऐसा कुछ करेक्टर शीट ऐसे दिखा के मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे काम करने वाला हूँ, फिर इसको तो मैं कटिंग करने वाला हूँ तो कटिंग करके कैसे करूँगा। जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक एंड ड्रैग। अभी इसके अंदर एक लाइन भी चाहिए, लाइन में क्या क्या करना है। जैसे मुझे यहाँ अगर कोई काम करना है तो लाइन में आपको नॉर्मल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे पहले जो पुराना वर्जन होगा यहाँ पे पहले दो नहीं चार होते थे। ठीक है, अभी वो इधर से शिफ्ट कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देखिएगा सिंगल रो मार्की टूल, आप यहाँ पे क्लिक करो, आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अगर मैं मेजरमेंट करूँ यहाँ पे, मैं बस देखना पे ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है, दूसरा पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ओके, देन आप न्यू लेयर क्रिएट करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मुझे ऑल्ट बैक स्पेस किया, कंट्रोल डी, कंट्रोल सेमी कॉलन, लाइन नहीं देख रहे आपको यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। मैंने वापस कंट्रोल सेमी कॉलन के यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे सेंटर पे लाइन चाहिए तो मैंने यहाँ पे किया सिंगल कॉलम मार्की टूल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इस लेयर पे, ठीक है, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल सेमी कॉलन, ये ठीक है भाई। अभी यहाँ पर जो मैंने कंट्रोल सेमी कॉलन किया, मैंने कलर मुझे रेड ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी, ठीक है भाई। अभी यहाँ पे मैं काम तो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल एंड सेमी कॉलन, रेड पे गया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एंड बैक स्पेस, कंट्रोल डी, कंट्रोल एंड सेमी कॉलन, ये आपका लाइन यहाँ पे आ गया। आप ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जूम करके तो कुछ दिखेगा आपको, देखा ठीक है, तो लाइन आपको यहाँ से पता चलेगा तो कैसे आप काम कर सकते हो। यहाँ पे फेस को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं फेस की कटिंग में अलग से करूँगा, जब मुझे फेस बनाना हो तो मैं फेस पे भी काम करूँगा। अभी मैं आज क्या करता हूँ, मैं आपको दोस्तों बॉडी का स्ट्रक्चर बेसिक चीज़ को मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करके कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास रेफरेंस ऐसे मुझे सेट कर लेना है, कंट्रोल एंड सेमी कॉलन यहाँ पे। अभी आपको कैसे मेजरमेंट देना है, आपको लगता है कि यहाँ पे सेंटर पे कर दिया तो यहाँ पे काम हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे साइड बाई साइड कुछ ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आप कटिंग करना चाहो कर सकते हो। ऐसे देखो कि यहाँ पे कटिंग यहाँ पे मैंने दे दी यहाँ पे, ठीक है, एक पार्ट मैंने यहाँ पे भी दे दिया, ठीक है, मल्टीपल है तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे भी करके मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे।
मेरे पास यहाँ पर रेफरेंस का मुझे एक पार्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे कितनी दूरी में चाहिए यहाँ तक, ठीक है, कंट्रोल डी यहाँ पे। अभी मैं इसमें बहुत ज़्यादा लाइनें डिटेल में नहीं डाल रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें मैनेज करते हुए चाहिए, ठीक है। कई बार यहाँ पे कटिंग ऐसे करके मैनेज करते हैं कि भाई मुझे कैसे क्या काम करना है, किस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या कि इतने समय यहाँ पे काम करता हूँ, एम प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, एम, ये देखो सब कुछ मुझे एक साथ जोड़ देना है, तो मैंने कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई चार बटन एक साथ प्रेस कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर में जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, सॉरी ये मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मुझे अभी यहाँ पे चाहिए रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल पे गए, यहाँ से मैंने क्या किया ये चीज़ को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ। तो क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एन, ठीक है, यहाँ पे आप नाम दे दो, ठीक है, एस एच ए के ऑन एफ आर ओ एन फ्रंट, ठीक है, ये आपने क्रिएट कर दिया आपने यहाँ पे, एंड कंट्रोल वी कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हो आप यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे वापस गए, मैक्सिमाइज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी, यहाँ पे मुझे सिलेक्शन में हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे, देखना यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल एन, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बैक, ठीक है, एंड कंट्रोल वी, डन। यहाँ पे वापस गए, कंट्रोल डी, यहाँ से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल एन, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया साइट, ठीक है, कंट्रोल वी। अभी मुझे कोई भी काम करना है, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहला काम मेरे पास यहाँ पे क्या है कि मैं अगर कोई भी चीज़ को मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो मेरे पास ये यहाँ पे मैं रेफरेंस रखता हूँ, ठीक है, रेफरेंस में यहाँ पे एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फोटोशॉप में गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे गए कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एस कर दो, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया एस एच ए के शक्ति मान पे गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाके जे पी जी सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, डन। ओके, यहाँ पे गए बैक पे गए फाइल सेव, देखो यहाँ पे सेंटर में नहीं है, मैं इसे सेंटर में भी कर सकता हूँ, सेंटर में करने का मतलब कैसे, मैंने कटिंग की ना यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने वी प्रेस करके यहाँ पे, यहाँ से मैं अगर इसे मैं प्लेस दूँ तो यहाँ पे हो सकता है, इज इट पॉसिबल, ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे दिमाग लगाने में कोई दिक्कत नहीं, आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे ये पूरा पार्ट है, इसको भी एक हम लोग सेव करके रखेंगे, फाइल सेव एज, ये मेरे पास कंप्लीट है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया तीमान में, ठीक है, ये काम आने वाला, क्योंकि फेस के लिए मैं फिर से कटिंग करने वाला हूँ पीएचडी में सेव करने से, ठीक है, इसको पीएचडी में सेव करोगे आप यहाँ पे, यहाँ पे देखो बैक, यहाँ पे बैक आ गया, साइड आ गया, मेरे पास और फ्रंट कहीं आना चाहिए, मेरे पास यहाँ पे फ्रंट यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ठीक है, फाइल सेव एज, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया पीएचडी में है क्या, ये देखो पूरा पीएचडी में, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मेरे पास ये मैंने बैक बंद कर दिया मैंने यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे फ्रंट है, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो फ्रंट देखने में देखो सेंटर पे नहीं है, तो वी प्रेस करके मैंने यहाँ पे इज इट पॉसिबल कर सकते हैं यहाँ पे, ये काम आप कर सकते हो, फाइल सेव एज, ठीक है, यहाँ पे आपने काम कर दिया और जेपीईजी कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जेपीईजी ही करना है, देन काम आपका खत्म हो जाएगा।